देखिए दोस्तों, आज हमने घर पे खाना नहीं बनाया, हम लोग आज आए हैं होटल में खाना खाने। तो ये देखिए विमला भी मेरे साथ है, खाना हम खा चुके हैं और अब घर जाने की तैयारी में है। तो बच्चे खा रहे हैं, अभी बच्चे भी आए हैं लेकिन वो कैमरे के अंदर नहीं आना चाहते। तो अब आइसक्रीम हम खाएंगे, उसके बाद हम घर जाएंगे और फिर मैं आगे चलूँगी। देखिए हम खाना वाना खा लिए हैं और अब आए हम घूमने के लिए। तो बच्चे मेरे लेने गए हैं हाजमोला मेरे लिए, और इतनी देर में मैं घूम रही हूँ। जाते हैं पार्क में, जो मेरा मिनिमम 2 राउंड में पार्क के काटती हूँ, तो 2 राउंड में पार्क के काटूँगी। अगर पार्क में लाइट आई तो, अगर लाइट नहीं होगी तो फिर मैं मेन रोड पर ही इसी तरीके से घूमते हुए हम लोग घर जाएंगे। फिर मिलती हूँ मैं घर में आपसे। तो एक्चुअली विमला चली गई, वो बता रही थी अभी दूध लेके आई, जबकि है ना उसकी मम्मी उसको रास्ते में दिख गई, हम लोग जब खाना खा के आ रहे थे। तो चलिए, तो वो जाके खाना बनाएगी। अब उसको 4-5 जनों का खाना बनाना है। उसके मामा हैं, दोनों मामा हैं, शायद मामी हैं, मम्मी हैं, भैया हैं, तो सबका वो खाना बनाएगी। अब जाके दूध लेके, छाछ लेके इधर से लेती हुई वो निकली है, अभी मेरे को बोल के गई है कि बस अब मैं जा रही हूँ। तो चलिए अब मिलते हैं घर पर। अगर पार्क में राउंड लगाते हुए मैं व्लॉग देखूँगी, शूट कर पाऊँगी तो। देखिए दोस्तों, मैं आ गई हूँ पार्क में और यहाँ पर लाइट आ रही है, तो हम लोग पार्क में आ गए हैं घूमने के लिए। बच्चे मेरे आइसक्रीम लेने गए हैं। ये देखिए इतना बड़ा पार्क है ये, और इसके मैं 2 राउंड काटती हूँ। आज आपको मैं बीच बीच में बताऊँगी कि ये पार्क कितना बड़ा है। ये देखिए, इसमें मैं डेली आती हूँ, सुबह सुबह कभी नहीं आ पाती हूँ, लेकिन मैं शाम को ज़रूर आती हूँ। तो आज मैं खुश भी हूँ बहुत, और दुख भी बहुत हो रहा है, और मैं आपसे घर जाके शेयर करूँगी कि मैं आज खुश क्यों हूँ और दुख क्यों हूँ। तो घर चल के मिलेंगे, लेकिन मैं एक बार आपको पार्क ज़रूर बताऊँगी। तो इसके 2 राउंड में काट कर यहाँ से जाती हूँ हमेशा। बच्चे मेरे आए नहीं हैं अभी, वो आइसक्रीम लेने गए हैं, तो मिलते हैं हम। चलिए इतनी देर में हम राउंड काटते काटते बात कर लेते। तो हस्बैंड मेरे अभी आने वाले हैं, बाहर गए हुए हैं, तो इस ब्लॉग को मैं सुबह कंटिन्यू करूँगी। और देखिए ये पार्क, देखिए आप कितना बड़ा ये पार्क है। उसी बच्चे अभी भी मेरे नहीं आए। बच्चे दिख रहे हैं अब मुझे आते हुए, तो बच्चे क्या है कैमरे में आना नहीं चाहते, तो या तो वो मेरे से आगे निकल जाएंगे क्योंकि उनको सोशल मीडिया पसंद नहीं है। तो बच्चे आइसक्रीम लेके आ चुके हैं, लेकिन मैं इस ब्लॉग को सुबह कंटिन्यू करूँगी। अभी क्या है, मैं इसकी एडिटिंग नहीं करूँगी क्योंकि बहुत रात हो चुकी है, और घर जाके मुझे अभी छोटा मोटा काम भी करना है, दूध भी गर्म करना है और बर्तन भी जमाने हैं। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मुझे खुशी भी है और दुख भी है, लेकिन मैं घर जाके आपको बताऊंगी। तो ठीक है, अब मिलते हैं घर जाके। ये देखिए दोस्तों, अब हम घूम फिर के घर आ गए हैं। हम खाना खाने गए थे तो नीचे के नीचे ही हम लोग घूमने चले गए थे, कि एक बार थकान के कारण एक बार ऊपर आ गए तो फिर वापस जाना संभव नहीं होगा। तो मेरे दोनों बच्चे और हम, मैं ये पार्क के 2 राउंड काट के और हम आ गए हैं। अब मैं आपको बता रही थी कि मैं आज खुश भी बहुत हूँ और आज मैं दुखी भी बहुत हूँ, क्योंकि कल मैं ज़्यादा खुश हो गई थी। मैंने आपको बताया था कि मेरी बहन हेमा और कंवर साहब आए थे और मेरा भैया आए थे, लेकिन मैं ज़्यादा खुश हुई तो आज मुझे दुख भी उठाना पड़ा थोड़ा सा, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। देखिए मैं आपको बताती हूँ अभी। तो देखिए दोस्तों, ये पढ़िए आप एक बार कि यहाँ पर मुझे नारी शक्ति अवार्ड मिलने वाला था, जो भी 1 साल पहले 10/8/2018 की इसमें डेट है। और देखिए ये मुझे सम्मान मिलने वाला था,
लेकिन मैंने ईमेल में नहीं देख पाई, जिस कारण ये मेरा रह गया। लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अब पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं है। और आप खुद देख रहे हो, देखिए आप पढ़िए कि ये मुझे नारी शक्ति अवार्ड मिलने वाला था, पर अब क्या किया जाए। इसलिए मैं खुश थी आज, लेकिन दुखी हूँ कि ये निकल चुका है तो, पर हैप्पी भी हूँ कि मेरा इसमें नाम सेलेक्ट हुआ और मैं बहुत ही खुश हूँ। और शायद मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी, मैं बहुत बहुत तेज़ बोल रही हूँ। तो इस खुशी के कारण आज मेरे से रहा नहीं जा रहा, और इस ब्लॉग को मैं कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ जैसा कि मैंने बोला है आपको। तो अभी करीबन सोने का टाइम तो होने वाला है, दूध में चढ़ा के आ गई हूँ, और आके मैंने ड्रेस भी चेंज नहीं करी, और सबसे पहले आपसे मैंने ये बात शेयर करी है। और अब मैं चाहे छोटा सा ही ब्लॉग बनो, और मैं ये ब्लॉग अभी ही एडिटिंग करके डाल रही हूँ। तो मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं कल भी बहुत खुश थी, बस थोड़ी सी निराशा है कि काश मैं ये ईमेल पहले देख लेती तो आज ये अवार्ड मुझे मिल चुका होता। कोई बात नहीं, कम से कम इतना तो हुआ कि सिलेक्शन तो हुआ, मुझे खुशी इसी बात की है कि चलो सिलेक्शन हुआ है। और बच्चे मेरे रूम में चले गए हैं सोने के लिए, बट मेरे से अभी भी रहा नहीं जा रहा, दिन भर हो गया, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं और बहुत खुशी है मुझे। और मेरे हस्बैंड अभी आए नहीं है, आने वाले हैं, वो काफ़ी दूर गए हैं तो आने में टाइम लगेगा। तो चलिए मैं उनका वेट कर रही हूँ, इतनी देर में मैं मेरी एडिटिंग कर लेती हूँ। और चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो नया लेटेस्ट वीडियो मैं बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट, आप सुबह मिलेंगे अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट।